आप देख रहे हैं TNB। दो ही आदमी की लड़ाई है, अखिलेश और योगी की। योगी और मोदी दोनों की जोड़ी भगवान करे लगाई रखे। जिसे भैंस खुलवानी है या गुंडाओं का राज करना है तो वो अखिलेश को वोट देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम दिल्ली के रोज एवेन्यू में मौजूद हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में इलेक्शन है लेकिन हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर यूपी में क्या समीकरण बन रहा है, उनको क्या लगता है कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनती है या फिर एक बार फिर से कमल खिलता है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? मुरारी लाल जी। क्या लगता है अंकल आपको यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी योगी जी की। क्यों बननी चाहिए? हाँ जी, क्यों बननी चाहिए योगी जी? जो विकास का काम चल रहा है जी, वो अधूरा रह जाएगा अगर ये सरकार हटती है योगी की जी। जो काम चल रहा है जनता के लिए वो अधूरा रह जाएगा, दूसरी सरकार बनती है जी। क्योंकि हमारे PM पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूपी के लिए पैसा दिया, ठीक है, जितने भी हेलीकॉप्टर बन रहे हैं उनके लिए मंजूरी नहीं दी कांग्रेस ने, जबकि अखिलेश भी यही चाहते थे कि हवाई अड्डे बने हमारे यहाँ, सब कुछ बने, यूपी का विकास हो, लेकिन कांग्रेस ने उसे रोका, जिसलिए आज कांग्रेस पीछे है और 40 साल से यूपी में कांग्रेस है ही नहीं जी। आज मेन बात है कि दो ही आदमी की लड़ाई है, अखिलेश और योगी की यूपी में। हाँ जी, और सरकार योगी की बनेगी, 55 सीट की जगह 100 हो जाओ या 80 रह जाए, ठीक है, बाकी और क्षेत्रीय पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी पार्टी तो लगातार यही दावा कर रही है कि इस बार सरकार हमारी ही बनेगी। देखो इलेक्शन में तो हर आदमी कहता है कि भाई सरकार हमारी बनेगी जी। कोई कहता है कि हमारी सरकार हार जाए, क्योंकि जब ये पार्टियां पैसा लेके विधायक खड़ा करती हैं तो हर पार्टी उम्मीद करती है कि भाई हमारे ही आदमी जीते जी। कोई चाहता है कि हारेंगे? दो पहलवान लड़ते हैं तो क्या सोचते हैं कि दोनों जीत ही जाएंगे? एक तो हारेगा। अंकल आपको क्या लगता है इस बार यूपी में साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? मेरे को तो कुछ नहीं पता जी, नहीं पता। अच्छा, एक अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल क्या लगता है इस बार यूपी में कौन आएगा? यूपी में कमल ही आना जी। कमल ही आना हमारे हिसाब से, तो वही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ऐसा क्या मतलब समीकरण बन रहा है जिससे कि जो है लगेगा बीजेपी वापस आएगी? नंबर एक तो हिंदुत्व जी, हिंदुत्व का मुद्दा उसका अपना। हम भी हिंदू हैं तो हमारा फर्ज है कि हम हिंदू हैं तो हिंदूवादी को ही वोट दें, नंबर वन। नंबर दो कार्य है, चाहे जहाँ देख लो, सड़क देख लो, वो देख लो, जो भी देखते हैं वो भी काम ठीक है। नंबर दो, चाहे आप उसे पुलिस का कह लो या कानून, मतलब कानून व्यवस्था जो है हर एक ढंग से, जो TV में भी देखते हैं, उसे मिलते हैं, सुनते हैं, तो वो सब ठीक है। हम इतना चारों तरफ तो नहीं घूमते पर सुनते तो हैं, कम से कम TV देखते हैं या करते हैं या सुनते हैं लोगों की बात, तो उससे हम तो बीजेपी के आदमी हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। सिर्फ हिंदू होना, हिंदू होकर हिंदुत्ववादी या फिर हिंदू होना, मतलब एक सिर्फ एक छोटा सा यही सवाल है कि सिर्फ यही रीज़न है आप बीजेपी को वोट देंगे कि आप हिंदू हैं? फिलहाल तो यही है जी, मेरा फिलहाल यही रीजन है कि मेरा, आप मेरा अपना। अच्छा, आपका खुद का कार्य के साथ साथ में मेरा वो भी एक धर्म बनता है जी। नहीं समझ रहे? अगर मैं हूँ तो मैं अपने इस समय जो उसकी बात करता है, राम मंदिर की बात करे, कृष्ण जी की बात करे या पूजा पाठ की बात करे, कठोर नियम रखे, और हम उसके साथ हैं। योगी जी कोई मेरी जात बिरादरी के नहीं है, अगर मेरी कोई उससे पर्सनल वो है भाई, मेरी कोई है जो काम उनके अच्छे लगे हमें। मैं तो चाहता हूँ अगर 10 साल पहले ये जोड़ी आती हैं तो बात ही कुछ और थी आज हमारे यहाँ की। ये तो लेट हो गया ना, मैं जाने कैसे कैसे, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और हम तो ये चाहेंगे कि इनकी योगी और मोदी दोनों की जोड़ी भगवान करे लगाए रखे। क्या उसका अंकल क्या कहना चाह रहे थे आप? देखो ये जो जैसे अभी पीछे राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदू तत्व नहीं है, ठीक है, ये एक गलत उदाहरण है। जो हमारे यहाँ पूरे विश्व के अंदर 204 देश के अंदर हमारे यहाँ हर धर्म का आदमी रहता है, तो हम तो विकास को वोट देते हैं। हिंदू मुस्लिम हम नहीं चाहते, न सिख धर्म फैलाते,
और सारे धर्म हिंदुस्तान से ही बने हैं। वो बाकायदा संसद बता दूंगा मैं कौन से शहर में कौन सा धर्म बना, सिख धर्म कब बना, जैन धर्म कब बना, ये भी सारी बात बताता हूँ। ठीक है, तो हमें वो जातिवाद नहीं चाहिए कि हमें फूट डलवाओ और तुम गद्दी पे बैठो। कौन सी पार्टी आती है? बीजेपी, योगी, बीजेपी। आदमी को खाली बीजेपी से मतलब नहीं है, योगी का मतलब हमारा। उनके काम पे आप वोट देंगे? नहीं नहीं, पहला काम था कि दी बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज दी बेटी सुरक्षित है। और जिसे भैंस खुलवानी है या गुंडाओं का राज करना है तो वो अखिलेश को वोट देगा। भैंस खुलवानी है तो वो अपनी अखिलेश को वोट देगा, भैंस नहीं खुलवानी वो योगी को वोट देगा। एक अंकल हमारे साथ और मौजूद है। अंकल, अभी जैसे कि अभी एक पीछे अंकल ने बोला कि अगर गुंडा राज दोबारा वापस लाना है तो सपा को वोट दे दें, कितना सहमत है इस चीज़ से? नहीं जी, हम तो चाहते हैं कि हाँ भाई, ये जो है मतलब मोदी योगी जी आए दोबारा यूपी में, क्योंकि गुंडा राज इन्होंने काफ़ी जो है मतलब इतने एनकाउंटर किसी ने नहीं करवाए जो योगी जी ने कराए हैं। आज तक जो है सारी बदमाशी खत्म कर रखी है इन्होंने, और जो है मतलब अगर अखिलेश यादव आता तो गुंडा राज दोबारा आएगा। हाँ जी, तो बीजेपी यूपी में क्या लगता है भैया आपको, इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी? योगी सरकार क्यों बननी चाहिए, कुछ बताएंगे? उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है और जितने भी माफिया थे सबको अंदर कर दिया उन्होंने। हाँ, तो बीजेपी। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता की राय साफ तौर पर यही सामने आ रही है कि यूपी में इस बार फिर से कमल ही खिलेगा, क्योंकि अगर यूपी की जनता गुंडा राज फिर से अगर चाहती है यूपी में तो वो सपा को वोट देगी, और अगर व्यवस्था सुचारू रूप से जैसे चलती है वैसे ही चलती रहे तो फिर से एक बार कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता की राय, आप इस पर क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए TNB। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।